बारिश के चलते स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कल्चर स्ट्रीट के में बने नेत्रहीन विद्यालय की नवासी दृष्टिहीन छात्राएं भी इस मुसीबत में जूझ रही हैं। इन छात्राओं के रहने खाने का सामान बारिश में भीग गया है। इतना ही नहीं, विद्यालय की दीवारों में करंट फैलने के भी आदेश बना हुआ है। इन छात्राओं की तकलीफ पर किसी की का भी ध्यान नहीं जा रहा है। छात्राओं ने अपनी तकलीफ का वीडियो बनाया, जिसे प्राचार्य ने कलेक्टर को सौंप दिया है। छात्राओं ने स्कूल भवन को नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने की मांग की है। यहाँ पे पानी भर जाता है और फिर बहुत सी प्रॉब्लम जाती हैं। किस प्रकार की, कैसे दिक्कत परेशानी है? पानी भर जाता है दो दो फुट और क्या बोलते हैं, बिल्डिंग भी जर्जर है। जी क्या, बिल्डिंग भी दर दर हो गई है पूरी। अच्छा, कितना डर लगता है यहाँ पर? डर तो बहुत है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं हॉस्टल मिल जाए और थोड़ी सहायता मिल जाए उसके लिए। और हमारे यहाँ जो है पानी भर जाया करता है, और अक्सर का कि जैसे अब पानी गिरेगा तो करंट लगने का डर रहता है बच्चों को। पेटियों में सामान जो रहते वो गीले हो जाते हैं, और बिस्तर वगैरह जो सब गीले हो जाया करते हैं। तो जी हाँ, तो हम चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नया भवन मिले, ताकि हम सुरक्षित रहें और हम बच्चों को पढ़ाने में भी बिल्कुल सक्षम हो जाए। 89 बच्चियाँ अध्ययनरत हैं। पूर्व में तो 125 तक बच्चियाँ यहाँ पर रहीं, और इन बच्चियों के लिए निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास व्यवस्था होती है। भवन को नगर निगम ने हमको उपलब्ध कराया था। तत्कालिक महापौर सुशीला सिंह जी थी। 500 रुपये के मासिक किराए पर यह विद्यालय यहाँ पर संचालित होता है। बहुत व्यवस्थित चल रहा था, जन सहयोग मिल रहा था। धीरे धीरे स्मार्ट सिटी का कार्य प्रारंभ हुआ। कल्चर स्ट्रीट का जब निर्माण हुआ तो नाले को छोटा कर दिया गया, उसके कारण विद्यालय में पानी भरने लगा।